अगर आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आखिर इन 7 दिनों में क्या पढ़ के जाए, कैसे तैयारी करें, तो देखिए वीडियो को लास्ट तक देख के जानना है, क्योंकि महिला पर्यवेक्षक के जो एग्ज़ाम होना है वाला है आपका 27 अगस्त को होने वाला है। कब होगा? 27 अगस्त को। आज आपका 19 अगस्त है, यानी कि कितने दिन बचा है? 7 से 8 दिन बचा हुआ है। तो आपको आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितने भी पढ़ चुके हैं बस उसको रिवाइज करना है। आगे कोई भी चैप्टर नया नहीं पढ़ना है, जितने भी आप सभी ने इतने दिनों से मेहनत किया है बस वही पढ़ना है और आगे एक क्वेश्चन भी नहीं पढ़ के जाना है। और सबसे पहली बात मैं आप सभी को कहूँगा कि आप सभी को एक छोटे से वीडियो में आपको बताई कि 2009, 2013 और 2021 में आपको कैसे पढ़ना है, क्या रिविजन करके जाना है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ तो महिला पर्यवेक्षक की खुली सीधी भर्ती का जो एग्ज़ाम होगा आपका 10 बजे से लेकर 12:15 तक, उसी प्रकार परिसीमित सीधी भर्ती का जो एग्ज़ाम होगा आपका 2:02 से 4:15। एडमिट कार्ड आपका जारी किया जाएगा 21 अगस्त को, यानी कि आज 19 अगस्त है, एक दिन बाद आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ से कि देखिए महिला पर्यवेक्षक में आपको महिला एवं बाल विकास की विभिन्न योजनाएं हैं उसमें 20 से 60 नंबर पढ़ना है। तो आपको क्या पढ़ना है मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कैसे तैयारी करके जाना है, मतलब जितने भी योजनाएं अभी हाल ही में जो हुए हैं उसको बस पढ़ लेना है बस। और महिला एवं बाल विकास से जो भी योजना है, महिला एवं बाल विकास की जो भी स्वास्थ्य संबंधित है, टीकाकरण है, और वहाँ से जितने भी है आप सभी को पहले नीचे वीडियो में बताया हूँ, वहाँ पर आप देख लेना, उसका पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। बस रिवाइज करना है इन 7 दिनों में, आगे कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, नया चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार सामान्य मानसिक योग्यता में अभी जैसे कि आपको बताया छोटे से वीडियो में आपको कैसे पढ़ना है, उसी प्रकार देखिए बात करें यहाँ पर 2009 का क्वेश्चन पेपर, 2013 का क्वेश्चन पेपर, 2021 का क्वेश्चन पेपर, ये तीनों का क्वेश्चन पेपर एक बार रिवाइज कीजिएगा, मतलब रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। मतलब जो कहने का मतलब है कि महिला पर्यवेक्षक की जो तैयारी कर रहे हैं आंगनबाड़ी खुली सीधी भर्ती एवं महिला परिसीमित भर्ती, जिसका एग्जाम आपको कब है? 27 अगस्त को होने वाला है। आपके पास कितना दिन बचा है? 7 से 8 दिन बचा हुआ है। अब इतने में आपको पढ़ना क्या है तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि देखिए 7 दिनों में तैयारी कैसे करना है, तो महिला पर्यवेक्षक जो एग्जाम होगा है ना 27 को होगा, आज आपको कितना है? 19 अगस्त है, कितना दिन बचा है? 7 से 8 दिन बचा है। तैयारी कैसे करना है वीडियो को लास्ट तक देख के जाना। पहले हम बात करते हैं सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता के बारे में, तो उसमें आपका पूछा जाएगा 10 से 15 नंबर जिसमें आपको पढ़ना क्या है। तो देखिए यहाँ से आप जब सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, तो स्कोर कैसे करना है तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं विषमताओं को पहचानना, विषमताओं को कैसे पहचानेंगे, इस प्रकार का सवाल पढ़ के जाना है आपको। उसके बाद दूसरा टॉपिक में क्या पढ़ना है आपको? अक्षर श्रेणी। अक्षर श्रेणी का मतलब है, जैसे देखिए अक्षर श्रेणी का कहने का मतलब यहाँ पर है, स्पष्ट है आपको कि देखिए ए बी सी या इस प्रकार के कुछ कोडिंग डिकोडिंग आप सभी को मालूम है, कोडिंग डिकोडिंग वही पढ़ना है आपको। उसी प्रकार विषमताओं को पहचानने का तरीका मैं आपको जैसे कि 3 दे दिया है, 6 दे दिया है, 9 दे दिया है, तो इसका इस प्रकार ऐसे वाले विषमताओं को पहचानने, इस प्रकार गलत इस पर 14 दे दिया है, तो यहाँ पर विषम क्या होगा, इस प्रकार वाला सवाल भी दे सकता है। और सबसे बात तीसरा है आपको मिरर इमेज, मिरर इमेज, इमेज का मतलब समझ रहे हो ना, चित्र वाला, ठीक है, जो पानी वाला आता है, दर्पण वाला आता है, इस प्रकार का 1 से 2 नंबर वहां से पूछ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर उसके बाद चित्र से गणितीय संग्रह, विभिन्न प्रकार के पैटर्न है, जैसे कि वहां पर कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से 2 से 3 नंबर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, वेन डायग्राम से 2 से 3 नंबर प्रश्न पूछता है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब सांकेतिक भाषा का मतलब आप समझ रहे हो ना, छुपे हुए, जैसे चित्र पहचानना। उसके बाद आपका आ जाएगा चौथा में क्या है, चौथा में आपका आ जाएगा वेन डायग्राम, आपको बता चुका हूँ। उसके बाद पासा, पासा से संबंधित, पासा से आएगा, ठीक है। और बाएं दाएं वाला प्रश्न पूछे जाएगा, बाएं से दाएं,
जैसे कि बाएं से दाएं वाला सवाल है, जैसे कि विपिन विपिन बाएं से इस प्रकार सवाल है, तो विपिन बाएं से इस प्रकार जैसे कि सातवां स्थान पर है, तो विपिन जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं इस मतलब ऐसे समझाने का मतलब कर रहा हूँ कि विपिन अगर बाएं से सातवें स्थान पर है तो अनिल दाएं से, या एक मिनट ना, कहने का मतलब है कि विपिन दाएं से सातवें स्थान पर है तो अनिल का बाएं से कौन सा स्थान है, इस प्रकार का सवाल देखने को मिल सकता है। बहुत सारे एग्जाम है लेकिन आपको सात दिन में बस इतना ही पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। उसी प्रकार आपका देखिए बहुत सारे, जैसे कि आपको मैं बताने वाला हूँ ना सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का, तो उसमें 10 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हिंदी से और छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो जैसे कि एग्जाम में पूछता है थोड़ा थोड़ा, है ना, ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। हिंदी में तत्सम तद्भव है, पर्यायवाची शब्द है, मुहावरा वगैरह है, यहाँ से आप देख लेना लोकोक्ति वगैरह, और ये वर्णमाला से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी प्रकार तत्सम तद्भव के मुहावरा बताया, स्वर्ण व्यंजन वर्तनी वाला सवाल, और लिंग वचन संज्ञा सर्वनाम, ये बस पढ़ना है तो सभी है, पिछले वीडियो में आप सभी को पहले बताया था, आप पढ़ते ही आ रहे हैं, है ना। अब जनरल इंग्लिश में क्या है, जनरल इंग्लिश में आपका 10 नंबर पूछा जाएगा, नाउन प्रोनाउन संज्ञा वगैरह, या फिर देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस एंटोनिम्स, स्पेलिंग वगैरह चेक करना, ये तो एग्जाम में पूछता है, कॉमन सी बात है, 9वीं 10वीं में आप सभी पढ़े होंगे। उसी पर गणित में आपको क्या पढ़ना, 10 से 15 नंबर मेन बात आपको बताने जा रहा हूँ, गणित में आपको 10 से 15 नंबर एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, तो देखिए संख्या एवं विषम संख्या जैसे गुणनफल भागफल ये पढ़ के जाना है, और अनुपात और समानुपात वाले सवाल, बस वहां से 2 नंबर प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 से 3 नंबर। उसी प्रकार औसत प्रतिशत साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, बस और कुछ नहीं पढ़ना है, और लाभ हानि क्षेत्रफल वाला आयतन वाला बस पढ़ना, इतना ही बस पढ़ना है, गणित में ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, मैं आपको यही बताया। उसके बाद और क्या पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ के जाना है और रिवाइज करने हैं 7 दिनों में,